वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ अनचार्टेड 4। तो पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा कि हमें एक और न्यू लोकेशन का मैप मिल चुका था, जो मेरे साथ साथ और रेफ को भी पता चल गया था, रोज को पता चल गया था, क्योंकि भाई रोज आई थी, रोज के साथ हंगामा हुआ था। पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाओ यार शुरू से देखो, जब जाके समझ में आएगा कि स्टोरी चल कहां से रही है। और पिछले वाले एपिसोड के लिए माफी चाहूंगा कि उसकी थोड़ा सा गेम के अंदर साउंड आगे पीछे थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा बस, सिर्फ थोड़ा सा, उसके लिए दिल से सॉरी। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। विक्टर कह रहा है भाई लॉस्ट सिग्नल, बोले तो सिग्नल नहीं मिल रहा है। नेथन ने कहा भाई सिग्नल की क्या जरूरत है यार, हमारे पास मैप है, मैप से जाएंगे और ढूंढेंगे उस वोल्केनो वाले टावर को। ओके और रोज की आर्मी को भी पता चल गया था इसकी जगह का, तो भाई सब तुम सोच सकते हो कि हमसे पहले फास्ट हैं, वो तो आ ही गए होंगे और अपनी सिक्योरिटी फैला दी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हर बार जब भी रोज को पता चल जाता है ना रेफ और रोज को, तो उनकी सिक्योरिटी हमें मिलती ही मिलती है, जो आपको पिछले वाले एपिसोड में भी देखने को मिला होगा। ओके भाई यहाँ तो बहुत तगड़ा वाला सीन है यार। ओके काफी टाइम के बाद हमें जीप जलाने को मिली है, सॉरी कार ही कह सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं चलाता, इधर से उधर पहाड़ों से भागना पड़ रहा था हमें को। ओए हाय हाय भाई साहब यहाँ तो दलदल वलदल पानी वानी हो रही है, और भाई साहब आराम से। ओके ओके नितिन कह रहा था भाई ये गाड़ी निकल भी जाएगी, विक्टर कह रहा भाई तुम्हारे भाई की गाड़ी है यार, 4x4 है, निकलेगी क्यों नहीं भाई, अच्छे अच्छे पहाड़ों पे चढ़ जाती है जीप हमारी। ओके देखते हैं भाई, ओके कम ऑन बेबी चढ़ जा यार। ओके भाई है तो भाई जगह खतरनाक, पथरीली और तकड़ी वाली है। ओके हमको भाई सीक्रेट बोले तो आराम से काम करना पसंद है, क्योंकि ज्यादा खून खराबा नहीं पसंद है, और देख सकते हो सामने काफी सालों पुराना ब्रिज है, ये टूट भी सकता है। सेम कह रहा स्लोली चला भाई। ओके ओह नहीं 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 टूट रहा भाई, ओ भैंस की टांग। ओके आराम से। ओके फाइनली निकल गए भाई इस ब्रिज से, भाई पायरेट के जमाने का ब्रिज है भाई, लूटोरों को बोले तो जिनका खजाना लूटने जा रहे हैं ना उनके जमाने का। और पिछले वाले एपिसोड में पता चला कि हमारे पास एक नहीं दो दो समुद्री डाकुओं का खजाना लूटने के लिए चीजें हैं, बोले तो उनका खजाना जिनको हम लूट सकते हैं, तो भाई समझ सकते हो कि एक नहीं दो दो खजाना बोले तो समुद्री लूटोरों का मिलेगा हमको, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि रेफ रोज और एल्कज़ार तीन बंदे हैं जो भाई खतरनाक हैं, और भाई तीनों ही भाई हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एल्कज़ार ने तो शुरुआत में ये देखा होगा कि कह दिया था सैम से कि जिंदा रहना है तो आधा खजाना, सॉरी आधे से ज्यादा खजाना मेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे कहीं से भी, समझ रहे हो, कहीं से भी ढूंढ के मार दूंगा। शायद यहाँ आर्मी है, नहीं 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 आर्मी नहीं है, यहाँ तो टैरों के निशान है, इसकी बात कर रहा है। ओके वेक्टर ठीक है, तो मैं पहले ही कह दिया था मैंने तुम्हें कि भाई आर्मी पहुंच चुकी होगी, रोज की रेफ और रोज की आर्मी पहले ही पहुंच चुकी है उस लोकेशन पे, क्योंकि भाई गाड़ियों के टैरों के निशान है इधर, जो देख सकते हो ये रहे पत्थरों पे आपको तो क्लियरली चमक रहे होंगे। और भाई चढ़ जा। ओके बच गया भाई, चल मेरी जान चढ़ निकाल दे। ओके ठीक है। ओके शेम कह रहा भाई स्लोली निकालना नहीं तो मर भी सकते हैं। नितिन ने कहा यस ब्रो, भाई खूबसूरत है वैसे तो, वैसे डेजर्ट का इलाका है, पानी इतना सारा क्यों है इस जगह पे। ओके एक्सेप्टेड, ओके ओके ठीक है, अब यहाँ से चढ़ जानी चाहिए, बेली चढ़ जा भाई, चढ़ गई। ओ बूम, नहीं 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 यहाँ काम बिगड़ेगा, हाँ मेरे को पता था भाई, यहाँ तो कोई स्टोन भी नहीं है, 4x4 भी काम नहीं करेगी भाई, पूरा स्लिपरी है। ओके नेथन ने कहा है चलो पहले ऊपर देख के आते हैं, पहला टावर हमें मिल चुका है, जो टावर है भाई ये क्या टूटा पड़ा है पूरा। ओके भाई काफी सालों पुराने टावर्स हैं, टूटे तो होंगे ही, और हमें कार निकालने के पता नहीं क्या करना चाहिए, मेरे को पहले इसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए टावर को, कि इसके अंदर कुछ काम की चीज मिल जाए तो अच्छा है, ना मिलेगी तो कोई बात ही नहीं है। और लेकिन कोई ओके ये शायद ड्रैगन का चिन्ह है, ठीक है सारा का सारा नोट कर ले भाई, पहले से ही करते आ रहे हैं हम नोट, क्योंकि भाई कोई भी चीज कहीं भी भूलना नहीं है, और भाई सारी की सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं।
whatever the case, this certainly isn't our final stop on our tour. ओके, एक और नई स्टोरी पता चली है कि भाई यहाँ एक टावर नहीं है, ऐसे 12 टावर हैं, 12 के 12 टावरों में किसी भी में भी खजाना हो सकता है। ओके, लेकिन 12 इंसानों का खजाना मिलेगा हमको, ठीक है। जो मैन उनका लुटेरे डाकू था ना, उन्होंने उसने सारे के सारे बंदों को बुलाया था और भाई उसका खजाना सबका भाई रखवा दिया था, क्योंकि पहले जो होता था भाई, मतलब तो स्ट्रिक्ट बोले तो बहुत ज़्यादा कड़े कानून होते थे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जिंदा जला देंगे या तुम्हारे हाथों जड़े निकाल देंगे या तुम्हारे अंदर सुएं घूसते घूसते तुम्हें मार देंगे या आंखों में गर्म लावा। आपने बहुत सारी सजा, अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताने के लिए हूँ ना यार, तो आपको बता देता हूँ, यही चीज़ होती थी पहले, बहुत खतरनाक सजा मिलती थी। ओके, तो भाई हम जब चल रहे थे ना, तो विक्टर कह रहा था इस हुक का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इसको तो मैं निकाल ही देता हूँ, लेकिन नीथन ने कहा नहीं, इसको रहने दो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तभी वही फिरकी ले रहा है भाई ये, कि देखो हुक काम आया नहीं आया। चढ़ जा भाई, चढ़ जा भाई, अब भी स्लिप कर रही है भाई कार, इतनी ज्यादा वैसे करनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आ गया भाई। ओके, फाइनली भाई इसकी खिंचाई कर रहे हैं विक्टर की दोनों भाई, कि भाई हमने कहा था ना ये काम आएगा, तूने कहा था नहीं आएगा, तो काम आ गया। वैसे ऑफ रोडिंग में ना ये काम जरूर आता है। वाओ 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 वाओ, क्या खूबसूरत है भाई। और हमें उसके पास जाना है मेनली, तो भाई उस वोल्केनो, वोल्केनो कहते हैं ना, हाँ, ज्वालामुखी को वोल्केनो के पास जाना है भाई। All they wanted to do was to murder and pillage in peace. No, no, they wanted to live as free men. Look, you gotta pick a place to run away from society. भाई कार काफी ज्यादा भयंकर वाली चल रही है, स्लिप ले लेके। वेले तो क्या नाम था उसका, अल्कज़ार, जो मेन इसका मुझे लगता है गुंडा होगा। शायद अल्कज़ार को पता है हम कहाँ हैं, क्योंकि उसने कहा था अगर तुम नहीं बंदे। ओके भाई साहब, बंदे आर्मी, मैंने कल ही कहा था बंदे पहुंच जाएंगे, और मैं कह रहा था अल्कज़ार हमारा पीछा कर रहा होगा या नहीं, क्योंकि सैम को खत्म करना है उसको, अगर सोना नहीं मिला तो सोना डाल लेंगे। ओके, अगर इस वाले ब्रिज को क्रॉस करके हमें जाना है, तो या तो हमें इन सबको मारना होगा या सीधा अपनी कार को लेके भगाते हुए निकलना है। लेकिन वैसे भी भाई ब्रिज टूटा पड़ा है और इनको, इन्होंने इस पे भैंस की टांग ट्रक ब्रक चढ़ा चढ़ा के इसकी बैंड बजा रखी है, क्या करना चाहिए, यही तो मैं भी पूछ रहा था, सैम भी वही पूछ रहा है। ओके, मेरे को गाड़ी ना कहीं रुकनी चाहिए सेफली, यहाँ ठीक है, यहाँ चमकेगी नहीं। ओके, उतरना चाहिए हमको, और तुम फॉलो करो भाई, पिस्टल में सिर्फ 45 गोलियाँ हैं, लेकिन ठीक है, हम पिस्टल कम यूज़ करेंगे। सीक्रेट बोले तो जैसे पिछले वाले एपिसोड में मारा था ना, दुबक दुबक के सारों को ऐसे ही बैंड बजाएंगे। अगर उसके चिन वाइट हुआ तो उसको हल्का हल्का शक हो रहा है, अगर उसका येलो हो चुका है तो उसका प्रॉपरली शक हो चुका है, मतलब कि कंप्लीट शक हो चुका है, और ऊपर स्नाइपर है, और तीसरे नंबर पे वही स्नाइपर है पक्का। तीसरे नंबर पे अगर ऑरेंज हुआ तो पक्का शक हो चुका है और बैंड बजने वाली है तुम्हारी, क्या करना चाहिए, गोली वोली चलानी चाहिए या आराम से मारना चाहिए इनको। पहले नंबर पर मैं सोच रहा हूँ इस स्नाइपर वाले को ही पेलूँ, क्योंकि भाई ये ना बैंड बजा देगा अगर। ओके, मौका है मेरे पास, और ये 1 2 3 बैठ जा बेटे। ओके, मुझे ऐसे ही मारना सारे के सारे बंदों को बिना हंगामा काटे, कोशिश यही रहेगी हमारी। लेकिन जब गोलीबारी होगी तो भाई चूकेंगे नहीं, कहते हैं ना। ओके, बंदा सामने ही है, लेकिन एक नहीं दो दो बंदे हैं, और मेरे साथ सैम भी है भाई, सैम अभी ऊपर चढ़ के नीचे कूद गया फिर से। ठीक है, उस बंदे की नजर पहली तरफ है, आ जा, इसको नीचे गिरा दूंगा मैं पकड़ के, 1 2 3 आ जा बेटा। ओके, सामने एक बंदा है, और धीरे 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 कवर लेते हुए
ठीक है, इस टावर के ऊपर एक स्नाइपर है मुझे पता है, इधर भी एक बंदा हो सकता है। मेरे को साउंड आ रहा है ना। हेलो सर, सो जाओ। ओके, गन है, ठीक है, चल भाई। ओए हाय हाय हाय, आराम से ब्रो, चढ़ जा मेरे शेर। ओके, इससे ऊपर एक स्नाइपर है पक्का, मैंने भाई दूर से ही देख लिया था, बंदा है ऊपर, कोई देख ना ले यार। ओके, सो जा मेरे बच्चे। चारों तरफ बंदे भाई, क्या करना चाहिए मेरे को? अगर यहां से निकलना है ना अपनी गाड़ी को लेके, तो हंगामा करना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताओ। मुझे पता है एपिसोड ऑलरेडी डल चुका है, लेकिन फिर भी मैं सारे बंदों के कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट में जरूर बताना क्या करना चाहिए आगे वाले एपिसोडों में, हमें या तो फाइटिंग करनी चाहिए या ऐसे ही साइलेंटली मारना चाहिए सारे बंदों को। सैम और वेक्टर आपके तो भाई पक्का साथ दिवा रहे हैं, सॉरी साथ निभा रहे हैं। उनके पास पिस्टल है, मेरे पास AK भी है। क्या करना चाहिए अब? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि भाई हंगामा करूंगा ना गोलीबारी तो सारे बंदे मिलके बहुत गंदा वाला पीटेंगे, लेकिन मार तो लेंगे उनको, लेकिन फिर भी एक तरफ से डर है कि भाई पुल तोड़ दें या कुछ ना कुछ कर दें जिनसे हम आगे ना निकल पाए। भाई नीचे बंदे, इधर बंदे, इधर बंदे, चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। मेरे को अपना यूज करना होगा 100 IQ। इधर एक बंदा आ रहा है, आ जा भाई। वो उधर कहां जा रहा है यार, इधर तेरी मौत इंतजार कर रही है, बैठ जा। गया बेटे, सो जा रे मुन्ना, सो जा भाई, सो जा। ओके आ जा, AK की एमओ मिल गई, 1K47 बोले तो 1K47। सो जा बेटा, तू भी सो जा। ओके सैम, तू मारेगा या नहीं? मैं मारू, दो बंदे आ चुके हैं। ओ भाई ये चीज खतरनाक लगती है, एक को पता नहीं चला दूसरे की प्राण निकल गई। नहीं ओपन एरिया है थोड़ा सा, चलो 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 चलो। एक और बंदा नीचे कूद के आया है, एक ऊपर है, चारों तरफ बंदे फैले पड़े हैं। भाई करें तो क्या करें, इतने साइलेंटली भी मारना भाई मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक गल हंगामा काटेंगे तो उसकी आर्मी आ सकती है रोज की आसपास वाली, और फिर और हार्ड हो जाएगा मार लें। ओके मेरे को धीरे 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 आगे पीछे, ये बंदा आ सकता है, आ जा। ओके एक बंदा आ रहा है सामने से, हेलो सर। ओए होए 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 भाई, ग्रेनेड मिल गया इससे, अब इसको भी मारना है ऐसे, सैम पकड़ ले। ये बात बेटा मौज कर दी, इससे भी ग्रेनेड उठा लो भाई, जो मिल रहा है ना उठा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में काम आने वाले हैं। वैसे तो हम सोच रहे हैं फाइट ना हो, लेकिन ऐसे ही मार दें, क्योंकि मेरे को हिटमैन वाला फील आता है इसके अंदर।
ओके बहुत बंदे कह रहे थे कि हिटमैन की सीरीज शुरू करो, हिटमैन की सीरीज शुरू करो, भाई करेंगे बहुत ही जल्द हिटमैन की सीरीज भी शुरू करेंगे। और ये आपको थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है मेरी जान। वो चला था ना टिकटॉक पे ट्रेंड, इंस्टाग्राम खाएंगा सॉरी कमाएंगा नहीं तो खाएंगा कहाँ से मेरी जान, वो वाला एक्स वाई जेड। लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ ना, रील वील नहीं देखता, कभी कभार कोई ट्रेंडिंग होती है तो आ ही जाती है स्क्रीन पे। आजा भाई इधर थोड़ा सा साउंड हो जा भाई, चारों तरफ फैले पड़े हैं ये बंदे। ठीक है कंपनी देंगे यार, आओ तो सही। वेक्टर अब के तेरी बारी है, लपेट के मार साले को, मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये बंदे ना बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, इनके पास आएगा ना घास के अंदर तभी मारेंगे, ये वैसे दूर वाले को नहीं मारते, कभी कभार मार देते हैं। वैसे तो हमेशा दो जने रहते हैं, हम बोले तो नेथन और सैम, इस बार विक्टर भी है हमारे साथ देने के लिए। भाई ये मजे ले रहे हैं भाई, मुश्किल की घड़ी में भी दोनों भाई मजे लेते हैं। और इतने हम मार रहे हैं, इतने भाई रोज और रेफ ना आ जाएं, हम सोच रहे हैं साइलेंटली काम हो जाए, कभी गोलीबारी हो जाए। और ये पीछे देख रहा है, अरे नहीं यार दो बंदे हैं। अगर मैं इसको लात मार के गिराऊंगा तो भी शक होगा इसको, नहीं गिराऊंगा तो भी शक होगा। किधर गया, नीचे जा रहा है। ओके एक और बंदा आ गया, अब मैं बहुत बुरा वाला फंस चुका हूं यहां आने के बाद। वैसे निकल तो सकता हूं सामने वाली घास में जाके, लेकिन मेरे को इस एक ओके गया, फंस गया फंस गया फंस गया, तेरी भैंस की टांग, मैंने गलती कर दी रे बाबा। गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है, अब देखो एक्शन। तुम कह रहे हो कि भाई बहुत टाइम से बोर हो रहा है, अब आया ना कुछ मजा, तो भाई समझ सकते हो तुम, तुम्हें तो मजा आ रहा है, मेरी फट रही है। ओके ओके तो हमारे पास एक है भाई, कितना बुरा बजाते हैं। ओके ठीक है यार, शैम कह रहा मैं संभाल लूंगा, ले भाई संभाल ले भाई तू। ठीक है ओए होए होए हो भाई 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 भाई, उठा लो भाई बुलेट से, उठा लो जितनी उठाए जाएं भाई, जितना सोचा था ना इजीली काम हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया भाई, हालत खराब हो रही है। वो तो अच्छा है हमने स्नाइपर्स पहले ही ठोक दिए, नहीं भाई वो गंदा मारते और भाई कच्चा चबा जाते हमको। ओके और भी भाई टीम आ रही है भाई, मेरे को यही नहीं चाहिए था भाई, जहां भी गोलीबारी हुई और सारे के सारे बंदे हमें मारने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। खत्म क्या, इतना इजी था। ओके चलो तो भाई गाड़ी निकालते हैं, चलो भाई आ जाओ। भाई लोगो किधर थी हमारी कार, इधर ही थी। कहाँ मेरी 4X वाली कार, ओके सामने है गी। जीप 4x4 है ऐसी थोड़ी है भाई, चढ़ जाती है लेकिन कभी कभार दिक्कत कर देती है। ओके यार मैं पहले ही गोलीबारी करके इन्हें मार देता तो इतना वो नहीं करना पड़ता, लेकिन स्नाइपर को साइलेंटली मारना जरूरी था, क्योंकि स्नाइपर भाई एक बार में ही ना हेल्थ पूरी खा जाती है और दूसरी गोली में डेथ। अभी तक तो मरा नहीं हूँ लेकिन मेरे को पता है स्पीड में निकलना होगा क्योंकि पुल टूट जाएगा भैंस की टांग। फिर रुको जरा, कुछ ऑप्शन आया था अभी हुक का। ठीक है इस हुक को मेरे को इसको लगाना, मैं समझ गया, अब इन दोनों पिलर्स को हम तोड़ेंगे एक साथ। एक साथ तोड़ने के बाद जब हुक को ऐसे अटैच करने के बाद अब हम इसको खींचेंगे वापस,
तो होगा क्या, ये प्लेयर्स टूटेंगे और नीचे गिरेगा, एक स्लाइड टाइप का हो जाएगा। चल बेटा टूट जा भाई, एक साथ दोनों को तोड़ रहे हैं इसलिए भाई ज़्यादा हो रही है क्या भाई, 4x4 है, टूट गया। ओके ओके ओके, चढ़ा दे भाई ये बात। भाई दिमाग तो है हमारे अंदर भाई, कुछ भी हो 100 IQ तो यूज़ करते हैं हम कभी कभार। वैसे ये स्लिपरी है, थोड़ा सा निकल जाएगी ना, निकल गई। ओके वो कुछ ज़्यादा बड़ा था, जहाँ हमें एक हुक यूज़ करना पड़ा था ना, वो कुछ ज़्यादा बड़ा था, लेकिन चलता है भाई, इतना तो चलता है। Why? I was thinking maybe you can contact her and convince her to call off her goons. Yeah, right. What if we promise her a bigger cut than rate? No, that's not how she operates. She's more of a... Look, shoreline. Yeah, they're definitely going all in, aren't okay, they? Okay, Sam, करा देखो भाई, ये कौन है भाई, ये देखो आर्मी रूस की। Same damn thing. They found the treasure already. अरे नहीं यार, ये थोड़ी होता है। सैम कह रहा भाई लगता है इनको खजाना मिल चुका है। नीतन कह रहा अगर खजाना मिल जाता तो ये ऐसे वैसे नहीं भागते इधर उधर। निकाल भाई गाड़ी जल्दी से, स्पीड में भगा भगा के भाई। मेरे को लगता है इनको कुछ तो क्लू मिला है, जो भाई इतनी स्पीड में भाग भाग के निकल रहे थे यहाँ से। ऐसे में वायदा भाई दर को घुमा के क्यों लाया, मैं पैसे निकल लेता। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, क्योंकि इसमें भाई मैप नहीं दिया गया है, तुम अपना IQ यूज करके आगे बढ़ना है तुम्हें। या तो मरोगे या जिंदा रहोगे या सरवाइव कर पाओगे। वैसे इस गन के अंदर ना आपको सब चीज मिलेगी, एडवेंचर, एक्शन, कॉमेडी और भाई जो भी आप सर्वाइवल देखना चाहते हो भाई साहब, भाई खतरनाक चीजें जो भी होनी चाहिए एक परफेक्ट गेम के अंदर। ओके सैम अपनी बातें बता रहा है जेल की, अभी मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है सैम अपनी बात बता रहा था जेल की, कि मेरे को वहाँ एक गार्ड मिला था जिसने मेरी मदद की और एल्केजार को मेरे पास बंद कर दिया, क्योंकि एल्केजार बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और भाई विक्टर भी कह रहा है मेरे को भी एल्केजार से पता है, मैं भी मिला हूँ एक बार। इसने कहा भाई मैं एक बंदे को चिट्ठी भेजने के लिए नीतन के पास, मैं हर रोज़ चिट्ठी लिखता था, लेकिन एक गार्ड था उधर जो स्ट्रिक्ट बोले तो भाई बहुत ही ज़्यादा कानून का पक्का वो था, जो मेरे कार्ड्स निकलने नहीं देता था। Oh shit. How are you still alive? Well, he wasn't quite the man. Yeah, bhai army hai pakka Ruski. Still working his way up the criminal ladder then. I sold his boss a few woodcut prints I'd smuggled out of Japan. He was into shoguns and such. Alcazar was the go between. Be right back, fellas. Jeez, am I boring you? I'm sorry, Sully. Ek aur baar bhai khatra fir se mandwa raha hai. Mandra raha hai. Bhai ek to sala hindi bhi gandi hai, english bhi gandi hai. क्या सीखा है हमने कॉलेज और स्कूल जाके? कुछ नहीं, कहते ना वो कुछ नहीं। साला चिमकांडी तेरे को सखो रेला है ना, आजा तेरी चड्डी तोड़ेंगे हम। ये चिमकांडी लोग भाई वैसे बनते हैं भाई खतरनाक वाले, लेकिन है नहीं, सारे के सारे बंदों को सखो रहा था लेकिन हो नहीं पाया। भाई मैं इधर के लिए आया हूँ मारने के लिए, वो उधर चला गया। भाई कितना चिमकांडीगिरी होता है इसके खेल। वैसे कहते हैं ना नीथन, गुड लक एंड बैड लक दोनों एक साथ चल रहा है इसका। थोड़ा सा कह सकते हो एक पॉइंट ऊपर चल रहा है गुड लक, क्योंकि अभी तक ये बैड लक के हाथ नहीं पड़ा है, बोल तो जिंदा है। वो डायलॉग सुना होगा आपने वेलकम का, अभी हम जिंदा हैं, तो भाई वो बहुत ज़्यादा फेमस था इसलिए ऐसे ही चलता है। आ जा बिड़ू भाई, गार्ड्स खतरनाक है फिर भी कह सकता हूँ मैं। अरे नहीं, आजा आजा आजा, सॉरी सॉरी सॉरी, सो जा। अरे चिमकांडी भाई, ड्यूटी के वक्त सोओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे, कभी भी ड्यूटी के वक्त सोना नहीं चाहिए भाई, ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए अपनी। ग्रेनेड, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि हंगामा ना हो ना हो ना हो, इसलिए भाई साइलेंटली मारने की कोशिश करता हूं हर बंदे को।
और मेरे को इसी में मजा आता है, हिटमैन वाला फील आता है मेरे को, प्रिंस ऑफ पर्सिया वाला फील आता है। आजा ब्रो नीचे नीचे नु जाना, आजा आजा चिमकानी सो जा भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस भाई ये डायलॉग है, आपने सुना हो तो आजा भाई सो जा, नहीं सुना तो भाई सुन लेना, मेरे साथ सुन लिया वही काफ़ी है, नहीं तो सर्च कर लेना आजा भाई सो जा। भाई दबे अभी तक पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबा लो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब भी कर लो, मुझे पता है अभी तक आप देख रहे हो तो पसंद आ ही रहा है। ओके इसकी नजरों में नहीं आना है, सो जा मेरी जान। भाई कितना तगड़ा वाला आदमी हूं मैं। ओके नहीं आराम से वेक्टर, सॉरी सैम भाई अभी तू फंसवा देता क्योंकि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अबे सालो तुम्हें काम दिया है सिक्योरिटी गार्ड का, तुम भाई बातें कर रहे हो भाई, तुम्हें इनको पता ही नहीं है भाई, इनकी सारी टीम धीरे धीरे करके मारी जा रही है, लेकिन ये भाई भाभी जी घर पर हैं आपस में बात कर रहे हैं, तेने देखा नहीं देखा उसका न्यू एपिसोड। ठीक है भाई वार्तालाप खत्म दोनों महिलाओं की, क्योंकि इतनी तगड़ी वार्तालाप ना महिला ही कर सकती हैं। इसके ऊपर जंप करके इसकी फाड़ सकता हूँ मैं, मतलब वो नहीं वो गलत समझते यार तुम, गलत गंदे बच्चे हो यार, बड़े तो इसकी खोपड़ी तोड़ सकता हूँ। ये क्या था भाई एकदम पीछे स्क्रोल, भाई क्या चिमकांडी लोग हैं भाई ये दोनों, क्या टिकटॉक चल रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा कमीने हैं यार, और मेरे को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इस बार आ जा भाई तू इधर को, एक राउंड काटने के लिए आएगा जरूर, इधर वो जाएगा उधर को, ये आएगा इधर को, आ रहा है तू तो गया। हा, हा, हा। भाई इसने गन निकाली और इसकी बैंड बज गई, आ जा सर ढूंढो देखो तो सही, तुम्हारा साथी मरा पड़ा है, इसको शक हुआ कि मेरे साथी कैसे पड़ा है भाई, इतने ही हमने खत्म कर दिया, ग्रेनेड उठा लो भाई। ओके ओके मजेदार था, दोनों का टिकटॉक खत्म कर दिया हमने। चल भाई गाड़ी निकालते हैं भाई सारे बंदे खत्म, और ऐसे ही करते करते हमें आगे बढ़ना है टावरों के पास तक। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये 12 का 12 टावर समय एक्सप्लोर करने होंगे क्या, मेरे को ढूंढने होंगे सारे के सारे, भाई बहुत गड़बड़बाजी हो जाएगी ये तो, या शायद हमें एक दो टावर्स में ही मिल जाए खजाना, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को इस एपिसोड में मिल सकता है खजाना, सिर्फ महसूस हो रहा है, मैं गारंटी नहीं लेता भाई गेम की, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्टोरी पलट सकती है। बाय द वे जिसने भी मुझे पता है अगर किसी और यूट्यूबर का आपने गेम प्ले देखा है या यूट्यूब पे गेम प्ले देखा है, इसका फुल गेम प्ले भी देख लिया है, तो इंटरेस्ट मत खत्म करना भाई कमेंट करके कि ये होने वाला है, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं नहीं देखता भाई इसका आगे का क्या होने वाला है ना। कोई नहीं भाई सामने एक टावर दिख रहा है मेरे को, क्या ये ही हमारा दूसरा टावर है भाई, कितना लंबा खींच के आने पड़ा है हमें, अगर सीधा रोड होता ना तो एक सेकंड में आ जाते हम। चल भाई देखते हैं क्या है इस, अरे नहीं यार शायद कोई क्लू है, फिर भी देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा मामू लोग। Holy shit, you can probably see all of King's Bay from up here. Yeah. Hey, look. There's the city. And there's the river. Okay, मैं देख रहा हूँ यार। वहाँ जाना है क्या हमको? Look at this. Quite the view. I just keep waiting to wake up and find myself in solitary or something. It's all some kind of dream. Sam. No guilt trip. I'm just... ठीक है? Let's go find this thing. You bet. So, how are you doing? Yeah, still in one piece. I appreciate you coming along for the ride. And especially for negotiating with that rental guy. No problem. Hell, I'd be lying if I said I wasn't enjoying myself. Me too. Okay, वापस चलते हैं गाड़ी में. Okay, मैं क्लियर कर देता हूँ. ये बात कर रहे थे सामने वाली सिटी की. कि वहाँ जाने के लिए हर बच्चे का ड्रीम रहता है, वाली तो सपना रहता है उस सिटी में जाऊँ, क्योंकि वो है ऐसी सिटी
जिसके अंदर जाने के लिए हर कोई बेताब रहता, लेकिन वेक्टर कह रहा था दिक्कत पहाड़ी नहीं है खजाने के लिए, दिक्कत है भाई आर्मी रोज की और रेफ की आर्मी, जो भाई बीच में हर बार टांग अड़ा देती है। ओके, शायद मेरे को ये पुल जो दिख रहा है आपको ये नीचे करना होगा, बाहुबली टाइप का, जो आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा ऐसा बड़ा सा ब्रिज जब वो नीचे करते हैं भाई, जंजीरों से बड़ा बंधा रहता है, बहुत तगड़ी तगड़ी मोटी मोटी जंजीरें होती हैं, सेम टू सेम फील आ रहा है मेरे को, लेकिन इसको करेंगे कैसे भाई? अगर आपके मुसीबत है आपके ऊपर तो उसका सलूशन भी उससे पहले बन जाता है, समझ सकते हो, समझ रहे हो जानी, अगर कोई मुसीबत है तो उसका सलूशन भी उससे पहले हो जाता है, हमेशा मुसीबत से पहले उसका सलूशन बनाया जाता है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये मैं भाषण तो दे दिए लेकिन करूं तो कैसे, कोई बॉक्स या कोई ऐसी चीज जो हम यूज करके उधर से निकल पाए। ओके, शायद ये कर सकते हैं हम ऊपर जाके। Hey, be careful, kid. ओके भाई, एक तो भाई गिरने का डर, भाई कैसे कैसे काम करवा रहे हैं ये लोग मेरे से। थोड़ा सा आए हाय बच गया। ये चीज तो करनी ही पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ के निकल रहा है तो भाई, ऊपर तो जाना पड़ेगा और ऊपर जाने के बाद इस रस्सी को पकड़ के, सॉरी इसको डिब्बे को करके इसके साथ निकलना है क्या? ओ भैंस की टांग। ओके, अब इसको मेरे को ऊपर चढ़ाना है। You got this? Mm-hmm. I seen a few. भाई हर बार मेरे को ही करना पड़ते हैं भाई ये चीजें। सैम क्यों नहीं करता? वेक्टर क्यों नहीं करता भाई? मेहनत सिर्फ हम करें, फल खाएं ये। You two just relax. Okay. I got this. I mean, there's only one crank, you know. Keep up the good work. Okay. भाई मजे ले रहा है भाई, विक्टर भी कह रहा है भाई बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहा, करता रहे। सीट 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 सीट, बैंड बज गई, बैंड बज गई, आर्मी आ गई, आर्मी आ गई। उन्हें जीप भी दिख रही होगी और सोच रहे होंगे भाई अगर अकलमंद होंगे ना तो ढूंढने लग जाएंगे हमको, लेकिन मेरे को लगता नहीं है इतनी अकल है इनमें। भाई एक अच्छा काम होने को जाता है लेकिन कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाता है, जैसे मैंने कहा था आपको बैड लक और गुड लक दोनों एक साथ चल रहे हैं इसके। आ जा भाई, सिर्फ दो ही हैं क्या? भाई आने दो इनको। भाई बंदे काफी ज्यादा आए, मैंने कहा था ना ट्रक आया तो ज्यादा ही आए होंगे भाई, दो क्या करेंगे आके। वैसे मैं इसको मार सकता हूं अगर जाना चाहूं तो, लेकिन रिक्स ले सकता हूं। ओए होए होए भाई, भाई पागल है यार ये सैम। निकल पहली फुर्सत में निकल। ओए होए होए
भाई एक गल झटके से भाई बिल्कुल अभी गोली चलने वाली थी। मैं नहीं चाहता कि आर्मी आए भाई और ज्यादा गोलियों की आवाज सुन के, लेकिन मेरे को हिटमैन और प्रिंस ऑफ पर्सिया वाला फील लेना है ना इस गेम से, तो ये चीजें तो करनी ही पड़ेंगी मेरी जान पकड़ के। और लाइट बोलो लास्ट एनिमी बचा है शायद। वैसे मैं यहां से भाग के जंप मार के इसकी फाड़ सकता हूं ऐसे बोले तो। भाई कितने बंदे आए ये चिमकंडी लोग। भाई हल्का सा ट्री का साउंड होता ही भाई झाड़ियों का उसको कवर हो जाती है कि इधर कोई है। लास्ट एनिमी है ना। हेलो सर। अबे यार कितने एक ट्रक के अंदर भाई, क्या भाई पूरा खानदान उठा के ले आए ये। भाई क्या चिमकांडी गिरी है, बंदे आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती सालों को। भाई स्नाइपर वाइज इसकी मां का नागा साका। भाई जिसे कहते हैं ना बड़ा वाला कांड वो होने वाला, अब समझ नहीं आता भाई ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जैसे मैंने कहा था ना शुरुआत में ही आपको, बैड लक एंड गुड लक दोनों साथ चल रहे हैं नीतन के, तो अब मेरे को लगता है बैड लक थोड़ा बाहर ही हो चुका है, गुड लक पे हावी हो रहा है। और नीथन मौत की घाट उतर सकता है या मौत की नींद, क्या कहते हैं उसे डायलॉग कैसे मारते हैं भाई, ये तो साला डायलॉग मारना नहीं आता उनको। कमेंट में यार अच्छे अच्छे तुम डायलॉग्स दिया करो फनी और भाई खतरनाक वाले, मैं लिखते लिखते थक जाता हूँ स्क्रिप्ट। अब मामू लोग भाई बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमको भी छटरी चटानी पड़ेगी मामू लोग को। ये चिमकांडी ऊपर कहाँ से पहुंच गया। अरे भाई पागल है नहीं हमारे सैम यार। भाई अच्छे खासा मैं ठीक है यार, होना चाहिए ठीक है समझ गया भाई फाइट। मर गया भैंस की टांग, मर गया चिमकांडी मर गया। ओ भाई खत्म। स्नाइपर चिमकांडी ब्रो। भाई चुन चुन के मार रहे हैं यार ये तो। अबे मर जाऊंगा तेरी ऐसी की तैसी। भाई सैम ने पूरी की ऐसी की तैसी कर दी। मैं हमेशा स्नाइपरों से डरता हूँ क्योंकि स्नाइपर भाई बहुत गंदे होते हैं। भाई मरते बचाऊंगा। कहते हैं ना भाई तूफान से पहले की शांति और फिर तूफान आता है, वही वाला सीन था। अभी तक हम शांति बना के रख रहे थे, एक गत तूफान आया और भाई सबकी चड्डी फाड़ दी। फाड़ू है यार अब भी दिल मेरा ऐसे धक 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 बोल रहे, तो हो रहा है। स्नाइपर किधर है भाई, मारा गया क्या? लगता तो नहीं है स्नाइपर मारा गया होगा। ओके भाई एक तो मेरे को भाई चिमकांडी लोग ऊपर फटाए ना तो ऊपर जा रहा है वो नीचे जाने की जगह। भाई अजीब ही चिमकांडी है। खत्म भाई।
Now, let's get that bridge down. ठीक है यार. ओके, बोले तो विक्टर कह रहा है आपके भाई ब्रिज को स्लोली स्लोली बोल तो बिना साउंड कम हो, इसलिए भाई धीरे से उतारना. नितिन कह रहा भाई ठीक है यार आराम से उतारेंगे भाई, अब कोई मेरे कोई पंगा नहीं लेना, बस यहाँ से जिंदा वापस निकलना मेरे को. ओ भाई चलो भाई लोग जीप में बैठ जाओ. अभी तो भाई देख रहे हो वेक्टर कहाँ था, ऊपर था, इतनी जल्दी आ भी गया. गेम के थोड़े से भाई स्टोरी हो जाती है. अच्छा है, वेट नहीं करना पड़ा, चढ़ जा भाई. Big tower on a volcano. Looks like the end's in sight, huh? Okay, तो वेक्टर कह रहा है मुझे विग टावर, बोले तो बड़ा टावर दिख रहा है यहाँ से. जा रहे भाई उधर ही जा रहे ले. Sorry, bump. Okay. बेइज्जती करवा रही यार वेक्टर की कार हमारी. वायद भाई अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज इसी एपिसोड को देख रहे हो ना तो मैं कहूँगा यार दिल से के शुरू से देखो और एपिसोड शुरू से भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्टोरी और भाई एकदम अमेजिंग. अभी जो आपको मजा आ रहा ना 50%, उससे मैं कहूँगा भाई 110% मजा आ जाएगा. 100 नहीं कहूँगा ना, 110 कहूँगा. उसे वही काम करना होगा क्योंकि भाई स्लिपरी है, हमें पेड़ का यूज करना होगा. स्टोन पे कर सकते हैं क्या? Which is worth 400 million. Right, but if Nathan's theory is correct, then there's a lot more treasure. Okay, स्टोन के भाई घुमा के लेकर आना पड़ा हमको. लेकिन कुछ भी कहो भाई वायर जो है ना ये हुक वाली, ये सच में भाई ताकतवर है भाई, पूरी की पूरी कार को उठा लेता है वजन. All set. Here we go. Here we go. Slowly, slowly, slow. Oh, नहीं 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 बैंड बज गई. भाई ओके ओके ठीक है पैनिक नहीं होने का. ओके बूस्ट जो भैंस की टांग भाई हमेशा सैम भाई बचा लेता है नितिन को. भाई शायद हमारे हाथ में कंट्रोल आ चुके हैं और हमको उतरना चाहिए फिर ड्राइव करना चाहिए. चढ़ा लेंगे भाई चढ़ा लेंगे क्योंकि भाई पेड़ के अंदर नहीं अटकी होती ना वायर, तो आज लूज हो तो भाई बैंड बच जाती. फिर जिंदगी में कभी उठने लायक नहीं रहते ये, या तो मर जाते या इतनी हड्डियां टूटती कि भाई उठ ही नहीं पाते कोई सा भी. ओ भैंस की टांग बच गया यार. क्या क्या मोमेंट दिखने पड़ रहे हैं भाई. वाई दा अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा लो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो. पता नहीं इस एपिसोड में मैंने कितनी बार बोल दिया होगा पर कर लो यार. जल्दी से हमें 50K तक जाना है और भाई ब्रिज टूटा पड़ा है. ओके जंप लगाना पड़ेगा. ओ भैंस की टांग, चल 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 निकल जा भाई. टूटा नहीं ब्रिज यार, मानना पड़ेगा इतना पुराना ब्रिज होते सोते टूटा नहीं, मानना पड़ेगा यार इस ब्रिज को भाई. जो समुद्री लुटेरे थे ना भाई क्या बनाई है उन्होंने जगह, क्योंकि भाई अच्छा खासा सोना था ना, वो एक साथ नहीं बिक सकते थे उस सोने को, क्योंकि पहले जो होते थे कानून बहुत ज्यादा तगड़े होते थे, आपको बहुत ही तगड़ी तगड़ी सजा मिलती थी मौत की या भाई कोई तो रास्ता होगा देखते हैं. और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई वो थोड़ा थोड़ा करके बेचते थे मार्केट में, जैसे पहले ज्वेलर्स व्वेलर्स होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे. के दम लगा के ऐसा थोड़ा दे दया बन जा भाई आज तो CID वाला दया भाई. दोनों भाई टूट गया, दोनों भाई ने मिलकर तोड़ दिया है दरवाजा, देखते हैं क्या होगा. इसके अंदर पक्का खजाना है भाई, 99% खजाना मिलेगा. पक्का नहीं कह सकता जैसे तो, लेकिन 1% नहीं मिल सकता. मेरे को फील आ रहा है यार कि खजाना मिल जाएगा. मैंने सोचा था पहले एपिसोड में ही, सॉरी शुरुआत में ही इस एपिसोड के, कि खजाना मिल जाएगा इस एपिसोड में. मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है. इसको हटा सकते हैं, चल जोर लगा दे. अबे मदद कर यार, क्यों बैंड अब थोड़ा सा पकौड़ा है क्या. ओके इस बॉल को मेरे को तोड़ना पड़ेगा. इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए,
All right, let's look around. मेरे पास ग्रेनेड है, ग्रेनेड फेंक के देखूं? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन आना चाहिए था ना, कुछ तो होगा जिसे यूज करके, रुको जरा, मेरे को कुछ तो चमक रहा है, ठीक है इसको यूज करते हैं, इसको एक गोली मारेंगे ना, एक गोली के अंदर ये पूरी दीवार गायब है देखना तुम। चलो बच्चे लोग जल्दी से छुप जाओ, भाई दोनों पहले ही छुप चुके हैं कभी दे लोग, एक गोली और ये दीवार, ओ भाई ठीक है, सैम ने पहले ही कहा था भाई छुप जाओ, लेकिन भाई पहले उससे कहने से पहले ना दोनों बंदे छुप गए थे। ठीक है भाई, खजाना के पास कहते हैं जब आपको खजाना मिलने वाला होता है ना तो आपके भाई खुशी अलग होती है, तो वो वाला फील आ रहा है मुझे को। भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा, नीतन कह रहा वेट कर भाई मेरा, लेकिन भाई सैम भाग ही जा रहा आगे, देख सकते हो यहाँ भाई समुद्री लॉक डाकू का एकदम बढ़िया वाला टैटू हो रहे तो लोगो बन रहा था, मेरे को बिल्कुल सेम फील आ रहा है कि मैं पक्का वाला खजाना है इधर, लेकिन 99% 1% नहीं क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता कि खजाना मिल पाएगा, पर मेरे को फील आ रहा है भाई इस लोकेशन को देख के पक्का वाला। ओके और ये 1 2 3 हम खजाने के पास पहुंच चुके हैं, कह दो कि तुम सच्ची हो। ओ, एक और क्रॉस। नहीं 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 नहीं, ये अब नहीं कहना कि पजल सॉल्व करनी होगी या कोई नई लोकेशन का मैप मिलेगा। ओके वाइंड अप, हम विलेज के बहुत पास हैं, जो हमने इतनी ऊंचाई से विलेज देखा था ना पहाड़ी पे से उसके काफी ज्यादा करीब है हम। ओके विक्टर कह रहा भाई मोर हिंट्स बोले तो नई और भाई खतरनाक वाली हिंट्स मिल चुके हैं जिन्हें हमें समझ के इसको समझना होगा और खजाने की खोज पे आगे बढ़ना होगा। All right, so maybe your pirate pool theory wasn't so ridiculous after all. All right, so let's see, what do you think the trick is here? Gotta push a button, pull something. कुछ तो है भाई ये। Maybe one of the arms or give it a shot. कुछ ना कुछ तो पजल है जो Whenever you're done fondling poor Saint Dismas, I think you might want to come take a look at this. Okay, Vector कह रहा है भाई इधर उधर पूछिए मत करो और भाई यहाँ देखो क्या चल रहा है, ये एक मैप है। Volcano. The crown is King's Bay. We got ourselves a map, gentlemen. Vector, you're a goddamn. और भाई कोई नई लोकेशन का मैप मिला यार हमें। Yeah, yeah. एक और नई लोकेशन, कोई बात नहीं। If we're here. नहीं 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 नहीं, नीतन कह रहा भाई ये मैप तो है लेकिन इसमें कुछ क्लू भी है, हमें जो 12 टावर्स है ना उनमें दो मेन टावर हैं उनका मेरे को शक हो रहा है कि भाई यही है, इसके पास कुछ तो है नीतन के पास, रुको जरा। Hey Victor, सैम को भाई सीक्रेट मिला है, सीक्रेट नहीं सिगरेट मिला है और भाई यहाँ बंदे आ चुकी है आर्मी। ओ भैंस की टांग ग्रेनेड, ऐसी की तैसी आर्मी आ चुकी है भाई साहब, रोज और रेफ की आ रही भाई, ये हर बंद सॉरी हर जगह टपक जाते हैं भाई, कितने कमीने बंदे आ रही है भाई, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती इतने सारे बंदे आर्मी के लिए आते किधर से हैं। उसके देश की रक्षा के लिए मान लेंगे लेकिन भाई गुंडों की रक्षा के लिए, भाई जब आदमी के जब आपको दिखे ना हर इंसान को जब दिखता है ना हमको बहुत ज्यादा वाला खजाना के साथ पैसा मिलने वाला है भाई, जान की परवाह नहीं करता हर कोई बंदा, इसलिए ही तो भाई आर्मी आ रही है, ये लालच है भाई, लालच बुरी बला। ओके भाई मर जा रहा भाई, बंदे फौजियों के माफिक उतरते ही जा रहे हैं, ऐसी की तैसी इसकी टांग, भाई साहब मुंह पे ग्रेनेड मारा यार इसने, वो भी गंदा वाला, इसको शर्म नहीं आती भाई, खत्म नहीं भाई, अभी भी मेरे पास बुलेट्स नहीं है इसकी, लेकिन मेरे पास ग्रेनेड्स हैं,
शिमखांडी भाई बुलेट से नहीं है, मैं मारूं तो रुक कैसे? सिर्फ ब्लास्ट ग्रेनेड बचा है मेरे पास, दोनों ही बंदूकें खाली। ओ भाग भाई, बंदे ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। केस की गन उठा ली है मैंने, पिस्टल पे गोली मिल चुकी है, दूसरी वाली पिस्टल मिल चुकी है। आप देखो चिमकांडी भाग, लॉन्चर है भाई ये, कोई तो है भाई खतरनाक बंदा जिसके पास लॉन्चर वॉन्चर सब चीज है। ओके हमें एक मैप मिल चुका है भाई, मैं पागल हूँ क्या भाई? या बंदे ये खतरनाक हो रहे हैं, सीधा मुंह पे ग्रेनेड मार रहे हैं भाई ये साले कमीने लोग। चारों तरफ फैले हुए वो भैंस की टांग, शायद इस पे ही लॉन्चर था, नहीं यही है लॉन्चर वाला भैंस की टांग। भाई ऊपर खड़ा है और सबकी खोपड़ी पर लॉन्चर से ग्रेनेड दागता जा रहा है। हाँ भाई गुड शॉट है, भाग भाई। Jesus. Is that all of them? Well, let's hope so. You okay? Yeah, fine. ठीक है, सारे बंदे खत्म पक्का ना? ओके फाइनली भाई टीम को निपटा दिया। भाई दोबारा से पजल को समझते हैं, जो नीतन कह रहा था कि ये टावरों का है सिग्नल लोकेशन, जो भी है ना ये टावर है भाई सारे के सारे, उनकी लोकेशन है। लेकिन हमें देखना है कि भाई कौन सा टावर परफेक्ट है और किस टावर पे खजाना है। लेकिन नीतन को दो टावरों पे शक है अभी इसके अंदर। ओके एक और न्यू मैप जिसके अंदर भाई टावर है ये चारों तरफ। Now we're screwed, okay? Because there's three of us, and there's God knows how many of them, and they have a head start. Yeah, but they don't know which tower to go to yet. That's great, Nathan, because neither do we. Okay, हमको एक coin मिली थी. Yes, we do. Okay, निकाल ली भाई, मैं यही सोच रहा था. Look, it's a little worn. Okay, देखो भाई, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दो. देखो इस coin पे तराजू टाइप की बनी हुई है. इससे भी तराजू है, और ये भी भाई ऐसा ही है same to same. तो हमें अब दो टावरों पे पहले ही सकता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमें दो टावर क्लियर करने। ओके सैम कह रहा है एक टावर पे मैं जाऊंगा, एक टावर पे तुम दोनों जाना, वेक्टर और तुम, क्योंकि वेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का, तो मैं अलग जाता हूँ और तुम अलग जाना दोनों। विक्टर ने भी कह दिया यही एक रास्ता है करने के लिए जो हम कर सकते हैं। ओके फाइनली बाहर आ चुके हैं, अब इसका रास्ता अलग हो चुका है और हमारा रास्ता अलग हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ आज का एपिसोड यहीं करते हैं और भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया तो लाइक का बटन दबा लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।